है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी। तो सभी लोगों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली एवरीवन। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है बेटा, उसको हम लोग शुरू करने से पहले सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज हॉर्टिकल्चर का हम लोग पांचवा लेक्चर जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्टरी दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें एक ओवरऑल व्यू दिया था आपको कि हॉर्टिकल्चर में किन किन चीज़ों पर अध्ययन करनी होती है। उसका दूसरा जो नेक्स्ट जो लेक्चर था बच्चों, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मैंगो और बनाना। फिर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे सिट्रस और उसका पपीता, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी बच्चों। अब आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट फसल, जिसको ग्वाभा और पोमोग्रेनेट के बारे में, यानी कि अनार और अमरूद के बारे में आज की लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, ताकि आज की क्लास जो हम लोग शुरू कर सकें। गुड इवनिंग एवरी वन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते बेटा, नमस्ते दिलीप, कामना, खुशी गोयल, शिवम वर्मा, हेलो बेटा। चलिए ठीक है, बहुत सही। ठीक है, लिटिल लीफ जो है कॉपर की डिफिन से बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, और एक बार अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कर दो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सभी लोग जो आज भी यूपी और बिहार के कई क्षेत्रों में जो है आज भी होली मनाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। हाँ, कॉटन में जिंक होता है बेटा, लिटिल लीफ, ठीक है, लेकिन उसमें जो है कॉपर होता है, यही सब कुछ कन्फ्यूजन की जो है चीज़ें होती है। ठीक है जी, नहीं गलती से नहीं हुआ था, ठीक कामना। चलो ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी देखते हैं कितने बच्चे जो है आ चुके हैं, अपनी अटेंडेंस लगा चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए बच्चों। आज जो है ये दो इम्पॉर्टेंट फसल बताऊँगा, इससे BHU का जो 2021 का एग्जाम हुआ था या ICAR में भी दो क्वेश्चंस आज के लेक्चर से ऑलरेडी पूछे गए थे। ठीक है, तो सोचो कि आज की लेक्चर जो है बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस यही दो फसल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे आपके एग्जाम में पक्का से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। ऐसे ही बीमारियाँ होंगी तो एकदम, हाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जो इस तरह के बीमारियाँ, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, तीखापन वाले जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ ना, उनको एक जगह पे आप लोग जो है अपना स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट बना के या A4 साइज पेपर पे जैसे आपको लिखना हो एक लिख कर चिपका दीजिए, और उसको सुबह शाम अगर आप देखते रहेंगे तो आपको जो है ये कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। यूपी कैडेट में बच्चों जो जिस ग्रुप से है वही इस बार करना होगा। ठीक है, बात हुई है, तो जो अगर आप बायो से हैं तो आपको बायो ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, PCM से हैं तो PCM ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हाँ प्रणाम बेटा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तब आज की शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में। चलो सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला जो पॉइंट है बच्चों, वो हम लोग ग्वाभा से डिस्कस करेंगे, यानी कि अमरूद से। ठीक है, तो अमरूद से जो है आपके क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ मैं एक जगह पढ़ा था, चलिए ठीक है बच्चों। चलिए, ऐसा CU SET और ICAR में होने के चांसेस बहुत कम है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आ जाएंगे, ठीक है, तब तक हम लोग कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक, अपनी जो तैयारी जिस तरह से हो रही है उसी तरह से अपना करते रहना बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली 21-22 तारीख तक जो आपकी सारी CU CET के अपडेट्स, ऑफिशियल डेट अपडेट्स, सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, बस कुछ ही समय का बात है, तब तक जो अपनी तैयारी जिस पैटर्न पे आप कर रहे हो उसी तरह से करते रहिए। ठीक है, तो अब जो है बच्चों ग्वाभा की अगर बात करोगे तो ग्वाभा मतलब क्या होता है बच्चा, अमरूद की बात हो रही है। ठीक है, तो अमरूद जो है इसका जूलॉजिकल बोटेनिकल नेम क्या है, सीडियम गुआजाभा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कई बार आप एग्जाम में देखोगे आपके सीधे सीधे बोटेनिकल नेम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, इसकी जो कुल है ये कई बार पूछा गया, इसको जरूर से मार्क कर लेना बच्चों, ये किस परिवार या कुल से बिलोंग करता है, तो ये हमारा मिर्टेसी कुल का पौधा है। ठीक है, मिर्टेसी कुल का इकलौता पौधा हम लोग जो पढ़ते हैं वो है हमारा यहाँ पे गुआजाभा, यानी कि सीडियम गुआजाभा, यानी कि ग्वाभा। ठीक, इसकी उत्पत्ति स्थान कहेंगे तो पेरू हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये अब ये पॉइंट देखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज एप्पल ऑफ पुअर्स, यानी कि इसे एप्पल ऑफ पुअर्स के नाम से, गरीब आदमी का सेब के नाम से, ठीक है, गरीबों का सेब, इस तरह से एप्पल ऑफ पुअर्स। ठीक,
इस चीज को आप लोग नया ध्यान देना, ठीक है? एप्पल ऑफ पुअर्स, यही से आपके एग्जाम में आईसीएआर में भी पूछा गया था, ठीक है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन यही था कि एप्पल ऑफ प्योर्स जो है वो किसको कहते हैं, यानी कि गरीबों का सेब, ठीक है? तो ये हम लोग जो है अमरुद को कहते हैं बच्चों, ठीक है? उसके बाद जो है पुअर मैंस एप्पल जो हम लोग बेर को कहते हैं, इस चीज को नोट कर लेना बच्चों। पुअर मैंस एप्पल एंड एप्पल ऑफ पुअर्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एप्पल ऑफ पुअर्स जो है हम लोग इसको कहते हैं ग्वावा को कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है ग्वावा इंप्रूवमेंट वर्क, जब कब शुरू हुआ था तो पुणे से बेटा शुरू किया गया था 1907 में, ठीक है? अब ग्वावा इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पर्टिकुलर अगर बात करें अमरुद की, तो अमरुद में जो प्रगति जैसे डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स वगैरह का डेवलप करना, ठीक है, इस तरह से ग्वावा में जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से अमरुद में सुधार कार्य जब शुरू हुआ था 1907 में पुणे से बेटा शुरू किया गया था, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब देखो जो बाहर ट्रीटमेंट आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, जिसको क्लियर नहीं आप पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है? बाहर ट्रीटमेंट होता क्या है, तो जैसे कोई भी हम लोग अगर फसल उगाते हैं तो उसको अगर हमने रेनी सीजन में ले लिया उसका फल, तो होता क्या है रेनी सीजन में जो है डिजीज और पेस्ट की इन्फेस्टेशन, यानी कि रोगाणु और कीटाणु वगैरह जो लगते हैं, ठीक है, रोग वगैरह लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके कारण से आपका जो फल का जो क्वालिटी रहता है वो घट जाता है, ठीक। तो इसी के कारण से क्या किया जाता है, वो रेनी सीजन का जो फल होता है उसको स्किप करके वो फल हम लोग विंटर सीजन में ले लेते हैं, ठीक। और इसी पूरी टेक्निक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रेगुलेशन या फिर बाहर ट्रीटमेंट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, आप लोगों को बकायदा यहाँ पे डायग्राम बता के पूरी चीजें बताई थी मैंने। और ये जो बाहर ट्रीटमेंट होता है बच्चा, मुख्य रूप से तीन फसल में हम लोग करते आए हैं, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन आता है बाहर ट्रीटमेंट से रिलेटेड नींबू वर्गीय फल में, यानी कि सिट्रस में। दूसरा आता है आपका बाहर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे ग्वाभा में। और तीसरा आता है बच्चों बाहर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आपका अनार यानी कि पोमोग्रेनेट में, ठीक है। तो ये तीन ऐसे फसल है जहां पर बाहर ट्रीटमेंट की जाती है बच्चों, बाकी फसल में हम लोग बाहर ट्रीटमेंट की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। यही तीन फसल है जहां हम लोग बाहर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट, हाँ, इग्नोर द फ्रूट इन रेनी सीजन एंड टेक इन विंटर, बिल्कुल सही अंकित राज, बहुत सही बता रहे बेटा। हाँ, पुअर का एप्पल जो है बेर है ना, ठीक है। पुअर इन जैसे गरीब आदमी का, और पुअर मैंस एप्पल एंड एप्पल ऑफ पुअर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सिद्धार्थ रॉय, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए, चलो बहुत सही, बहुत सही, चलिए ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों, हम लोग अगला पॉइंट जो है यहाँ पे बच्चों बाहर ट्रीटमेंट की बात करोगे तो अंबे मृग और हस्त। तो कहोगे सर ये अंबे मृग और हस्त हर पौधे में बाहर का नाम सेम होता है, ठीक, बस आपको क्या देखना है फ्लावरिंग, पुष्पन का समय। ये फ्लावरिंग मतलब होता है बच्चों पुष्पन का समय, ठीक, और फ्रूटिंग मतलब फलन का समय, ठीक, फलन। तो फलन का समय आप देख सकते हो फरवरी मार्च में अगर पुष्पन हो रहा है तो उसको अंबे बहार कहोगे, जून जुलाई में मृग बहार, और हस्त बहार मतलब अक्टूबर में, ठीक। इस तरह से फ्रूटिंग हमारा जून जुलाई, जुलाई से सितंबर में होगा अंबे बहार, ठीक है। अब अंबे बहार में फल आ रहे हैं, देखो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फ्रूट इन विंटर बोला गया, ठीक है, और कहां अवॉइड करना है रेनी सीजन में। तो जुलाई सितंबर वाटरी एंड पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक। अब मृग बहार नवंबर जनवरी में एक्सेलेंट क्वालिटी का, क्योंकि यहां पे जो है हम लोग फल ले रहे हैं वो ठंडी सीजन में, ठीक। फरवरी अप्रैल में रहेंगे तो गुड बट लो यील्ड, उत्पादन जो है घट जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मृग अंबे और हस्त बहार के जो है पूरी चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान देना होगा। क्या क्या ध्यान देना है, तीन बहार का नाम ध्यान देना है बच्चों, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन का समय और फलन का समय, ठीक, और उसके बाद उसकी जो कैरेक्टर होता है विशेषता जो होती है, यानी कि सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी हमें कहाँ मिलती है फ्रूट की, तो बच्चों ये एक्सीलेंट क्वालिटी हमें मिल जाता है मृग बहार में। सबसे ज़्यादा खराब क्वालिटी कहाँ मिलती है अंबे बहार में, तो इसी तरह से। लेकिन ज़्यादातर जो कॉमनली ग्रो होती है वो अंबे बहार की खेती हम लोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए किस चीज को बेटा एक बार फिर से बताना है, ठीक है। सर आपका एग्रीकल्चरल कंप्लीट हो गया है कि नहीं अभी? देखो बेटा एग्रीकल्चर जो है अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, बाकी नहीं नहीं त्रिभुवन नहीं दे सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि ये कॉमनली जो है ग्रो किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली किया जाता है, लेकिन हाई क्वालिटी फ्रूट जो है हमें मृग बहार से मिलेगा, ठीक है खुशी। चलो
चलिए ठीक है, क्या बताना है एक बार, समझ में नहीं आ रहा रोहित, एक बार बता दीजिए क्या फिर से रिपीट करना है। ठीक, चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों, ग्वावा हार्वेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट मई एंड जून, मई और जून में जो हम लोग हार्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय जो हमें फल में कीड़े देखने को मिलता है, इसलिए ये दो महीने में हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब ये तो आपको उच्च सघन फसल उत्पादन, ठीक है, उच्च सघन फसल उत्पादन करने से क्या होता है? तो देखो, जैसे मान लो एक परिवार है, ठीक, एक परिवार में अगर 10 रोटी बनता है और वहाँ पे 8 लोग खाने वाले हैं, या फिर मान लीजिए 10 रोटी बनता है 4 लोग खाने वाले हैं, तो पर पर्सन को कितना 2.5 ढाई रोटी मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर उसी जगह पर उस परिवार में 10 लोग रोटी के जगह वहाँ पे 12 लोग आ गए बच्चों, तो वहाँ क्या होगा, उनके जो वृद्धि विकास होगी, उनको कम भोजन की प्राप्ति होगी, उसके कारण से उनकी वृद्धि विकास सारी चीज़ें जो है रुक जाएगी, थम जाएगी और घट जाएगी। तो इसी तरह से बच्चों, जब उच्च सघन फसल उत्पादन करते हो, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हो, जब अधिक पौधों की संख्या लगाते हो, तो उसके कारण से जो उसका TSS होता है, शुगर कंटेंट होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी बच्चा, ठीक है, विटामिन सी, तो इन सब की मात्रा क्या होती है बच्चा, घट जाती है। क्यों घटेगी? क्योंकि पोषक तत्व पौधे को उचित मात्रा में नहीं मिलेगा। जब पोषक तत्व पौधे को उचित मात्रा में नहीं मिलेगा, तो वहां पर यह निश्चित है बच्चों कि आपकी जो फसल की संख्या जो होगी, फसल की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यानी कि उच्च घनत्व रोपण से TSS, सखड़ा और एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा कम करता है, लेकिन इसकी जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है, ठीक है, जो अम्लीयता होती है, टाइट्रेबल अम्लीयता, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना बच्चों कि कौन सा चीज घट रहा है। ठीक है, अभी तक जो भी है बच्चे, अभी तक इसको शेयर नहीं किए बच्चों, एक बार जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, क्लासेस, हाँ, बायोलॉजी की PDF भी मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम पे आपको। अच्छा ठीक है, बाहर ट्रीटमेंट को समझा दे। चलो ठीक है रोहित, बता दे रहा है बेटा। देखो, बाहर ट्रीटमेंट का मतलब होता है बच्चा कि अगर आप किसी पौधे को, अगर आप रेनी सीजन में ले रहे हो, मतलब हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, आपके पौधों में जो है डिजीज का, पेस्ट का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोग वगैरह लगने का, जिसके कारण से आपकी फ्रूट की जो क्वालिटी होती है बच्चा, वो घट जाती है, पुअर क्वालिटी होते हैं, फल में देखोगे कीड़े लगते हैं। तो ये सब समस्या को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनी सीजन में फल ना लेकर उसको विंटर सीजन में हम लोग शिफ्ट करते हैं, और इस तरह से जब विंटर सीजन में जो फल लेने की तकनीक होती है बच्चा, उसी को हम लोग बाहर ट्रीटमेंट या फिर क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। तय रहा, ये सही है, यही पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग कैप्टन बायो। हाँ, गुलशन राणा सर, सीयू सेट को लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन है। देखो, सीयू सेट को लेकर इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि जो हमारा गवर्निंग बॉडी है, चाहे जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। कभी ये न्यूज़ आता है कि 2 सेट रहेंगे, कभी न्यूज़ आता है 3 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग, क्योंकि जो हम लोग के न्यूज़ भी मिलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया या अदर न्यूज़पेपर से, तो वहाँ से भी हम लोगों को एग्जैक्ट ऑथेंटिक जो है न्यूज़ नहीं आ पा रही। ठीक है, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जो आपका चल रहा है, क्लासेस, हम लोग कल होली था, होली के बाद आज भी जो हम लोगों की सारी क्लासेस चली है, तो उस क्लासेस को आप लोग बस अपना करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि कोई भी अगर सिलेबस, कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी तरीके से होगा, तो आपका जो मेन डोमेन जो रहेगा ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट जरूर से बेटा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपना घबराने की बात नहीं है, बस देखो सुप्रिया रॉय, देखो लास्ट ईयर की नोटिफिकेशंस तक जो है PCB वालों ने भी ABC से एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अब इस साल का जब तक फॉर्म रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक जो हम लोग श्योर शॉट नहीं बोल सकते। ठीक, चलिए अब जो है हो गया। अब फिर ये सीयू सेट लेके जो है बवाल नहीं करना है, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक, अभी जब तक नहीं आया, तब तक आप अपना आराम से जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रेगुलेशन, और इसी को बेटा क्या कहते हो, बाहर ट्रीटमेंट कहते हो, यानी कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा, वर्षा ऋतु के स्थान पर जाड़े में फसल लेने की प्रथा जो होती है, उसी को हम लोग बाहर ट्रीटमेंट कहते हैं। चलिए हो गया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे विल्ट, जिसे हम लोग अमृत में विल्ट यानी कि उकठा रोग कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं इसको, उकठा रोग कहते हो। तो विल्ट इज द सीरियस प्रॉब्लम इन गुआवा। ठीक है,
यानी कि अब विल्ट में क्या होता है, पत्ते मुरझा जाते हैं इस तरह से। तो ये जो विल्टिंग होती है, जो उकठा रोग होती है, इसकी समस्या सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलता है, अमरूद में। ठीक है, तो अमरूद में विल्ट की गंभीर समस्या होती है बच्चा। अब जब हम लोग आगे जो डिजीज पढ़ेंगे फ्यूजेरियम सीडी के कारण से जो ये विल्ट होता है, ये सब अभी बताऊंगा। ठीक, उसके बाद स्टूलिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ गुआवा प्रोपेगेशन, यानी कि अमरूद प्रबंधन के लिए सबसे जो आम रूप पे जो सस्ता और सबसे जो प्रचलित उपाय है वो क्या है बच्चा, स्टूलिंग। अब देखो स्टूलिंग विधि में इस तरह से जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लगाया जाता है, फिर इसको यहाँ पे करके और अलग से आपको नया पौधे तैयार किए जाते हैं। तो ये जो स्थानांतरण यानी कि इसी विधि से जो हम लोग अलग अलग नए पौधे तैयार करते हैं, किसके, अमरूद के, और इसी तकनीक को हम लोग बच्चों स्टूलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि स्टूलिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन गुआवा, यानी कि गुआवा प्रसारण का, गुआवा प्रबंधन का, अमरूद प्रबंधन का सबसे आम विधि जो होता है बच्चों वो स्टूलिंग होता है। ठीक, कैसे करते हैं देख लिया आपने। अब वेराइटीज की बात अगर करोगे बच्चा, वेराइटीज बोले तो किस्म की बात अगर करेंगे आप, तो किस्म में इलाहाबाद सफेदा। अब देखो अमरूद जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो लीची कहाँ की फेमस है, मुजफ्फरपुर की। ठीक, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अमरूद के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है बच्चों, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद रीजन जो है वो फेमस होता है अमरूद कल्टीवेशन के लिए, यानी कि गुआवा कल्टीवेशन के लिए। तो अब इलाहाबाद से जो वेराइटीज, जैसे जो जो वेराइटीज है अमरूद की, वो सब आपको ध्यान देना है। इलाहाबाद सफेदा बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है, या फिर सरदार जिसे हम लोग L49 लखनऊ 49 भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग L49 भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो L49 कह लो, चाहे सरदार कह लो, चाहे लखनऊ 49 कह लीजिए, ये भी हमारा अमरूद का एक बहुत प्रचलित किस्म है। ठीक है, तो बहुत ही जो है ये सब क्या है, हमारे फेमस वेराइटीज है। उसके बाद बच्चों चितीदार, अब देखिए हो गया आप लोग, जो अमरूद होता है उसके ऊपर जो है दाने, लाल लाल कलर के दाने होते हैं, न्यूमरस रेड डॉट्स ऑन स्किन, यानी कि उसके जो अमरूद के जो पेरिकार्प होता है कह लो, या उसकी जो सरफेस होती है बच्चा, वहां पे छोटे छोटे दाने लाल रंग के होते हैं। तो ये कौन सी वेराइटी का जो है, तो ये है चितीदार। अब नाम से ही चितीदार है, मतलब वहां पे भूरे भूरे आपके रेड ड्रॉप डॉट्स जो है रहेंगे उसके सरफेस पे, पेरिकार्प पे बच्चा। ठीक, उसके बाद हफ्सी जो है वेराइटी, वहां पे रेड कलर फ्लैक्स। अब आप सभी को मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ही जो एक डायग्राम लगाया था बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो गुदा होता है ना, लाल रंग का गुदा होगा बच्चा, तो हम लोग का कौन सी वेराइटी होगी, हफ्सी वेराइटी में जो है ये चीजें पाई जाती है। उसके बाद बच्चों बेहद कोकोनट, देखो नाम में भले ही कोकोनट है लेकिन वेराइटी वो अमरूद का है। जैसे कल आपको एक मैंने वेराइटी बताया था पाइनएप्पल, किसका वेराइटी था बता दो बच्चों। ठीक है, पाइनएप्पल डिजीज कहाँ होता है और पाइनएप्पल वेराइटी किसका है, ये आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो देखते कितने बच्चे जो है इस चीज को याद कर पाए हैं। ठीक है, हाँ आर्यन लीची मुजफ्फरपुर से मैं भी हूँ, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे। चलो ठीक है, गेट वेल सून भाई आर्यन। फ्यूजर है मॉगजिसपुरम, बिल्कुल सही रोहित। हाँ पाइनएप्पल डिजीज इन सुगर केन, और पाइनएप्पल किसका वेराइटी होता है, तो नींबू का, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए सिट्रस एंड स्वीट ऑरेंज, वेरी गुड वेरी गुड खुशी गोयल, सभी लोग बहुत अच्छा सही है आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हाइब्रिड 41, जिसको H45 के नाम से भी जाना जाता है, हाइब्रिड 45, इलाहाबाद सफेदा और सरदार। अब इसी सरदार को बच्चा लखनऊ 49, L49 भी कहते हैं, या लखनऊ 49 भी कहते हैं। तो इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 का जो संकरण से तैयार किया गया जो हमारा संकर किस्म था, उसका नाम है हाइब्रिड 45, यानी कि बच्चों H45। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि H45 किसके संकरण से तैयार किए गए थे और किसका वो हाइब्रिड वेराइटी है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, द फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अभी ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को कि जब अमरूद की जो है, अगर हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर देते हैं, यानी कि उच्च सघन फसल उत्पादन करते हैं वहाँ पे, तो एस्कॉर्बिक एसिड की जो मात्रा होती है बच्चों वो घट जाती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो इट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी ए एंड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए बी सी तीनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में सी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हार्डी पौधा होता है। हार्डी प्लांट का मतलब क्या होता है कि कैन बी ग्रोन वेल इन अनफेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि अनुपयुक्त वातावरण में। देखो
अब नॉर्मल कंडीशन में एसी में तो हर कोई सर्वाइव करके ऐश मौज की जिंदगी जी सकता है, जो कड़कती धूप में भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, जो मेहनत कर सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये चलो हर सिचुएशन में ढल जाता है। तो वही चीज है हमारा अमृत के साथ है, ये क्या कर सकता है हर सीजन में ढल जाता है। जब उसको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी वहां पे जल पानी सब कुछ मिलेगा, खुराक मिलेगा पोषक तत्वों की, तब तो ग्रो हर पौधा करता है। लेकिन अमृत ऐसा पौधा है बच्चों जो अनफेवरेबल क्लाइमेट में, यानी कि अनुपयुक्त जलवायु में, ठीक है, प्रतिकूल जलवायु में भी अपना अगर उत्पादन उपज अगर मेंटेन करके रह रहा है, तो वही हमारा अमृत का क्वालिटी है। और इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, और एडेक्वेट मॉइस्चर ड्यूरिंग फ्रूटिंग, यानी कि फल लगते समय इसे आवश्यक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। भले ही ये हमारा सूखा और गर्म जलवायु का पौधा हो, लेकिन फ्रूटिंग करते समय, जब यानी कि फलन के समय, यहां पर नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है बच्चों। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक बच्चों, तो देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि कैसी मृदा चाहिए। तो नो डाउट जब हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो ना, तो एक ही मृदा चाहिए, वो है हमारा सैंडी लोम सॉइल, यानी कि बलुई दोमट मृदा। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बलुई दोमट मृदा। ठीक है, तो डीप सैंडी लोम सॉइल इज बेटर, और ये हमारा क्या होता है, तो सैलिनिटी यानी कि लवणीयता, सूखा और जलमग्न अवस्था में भी ये जो है हमारा क्या करता है, रह सकता है। यही तो मैंने ऊपर भी बताया था कि जो हमारा एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन रहता है, अनफेवरेबल क्लाइमेट और प्रतिकूल मौसम रहता है, प्रतिकूल जलवायु रहता है, वहां पर भी ये जो है हमारा क्या कर सकता है बच्चों, ग्रो कर सकता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी नेचर का प्लांट, इसको इसीलिए कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बच्चों गुआवा इज ससेप्टेबल टू सॉइल एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी, यानी कि लवणीयता में तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अम्लीयता में और क्षारीयता में जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि हमें अम्लीय मृदा में और क्षारीय मृदा में इसकी खेती नहीं करनी है। भले ही हम लोग लवणीय वाली मृदा में, लवणीयता जहां रहती है, सलाइन सॉइल में हम लोग इसकी खेती भले ही कर ले, लेकिन अम्लीय में और क्षारीय में इसकी खेती नहीं करनी है। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, सरकार जो है स्वास्थ्य मृदा हेल्थ कार्ड, जैसे स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड होती है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। ठीक, चलिए ठीक। हाँ, विल्ट डिजीज जो है पिजन पी में भी सीरियस होता है, बिल्कुल सही बात है खुशी। चलो, फालसा बेटा देखो, जैसे हम लोग अभी पढ़ोगे, जैसे टिलियसी कुल का ही एक पौधा है, ठीक है, फालसा जूट ये सब हमारे टिलियसी कुल के पौधे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव्ड, अब यही जो डीप ब्लॉजमिंग मैंने बताया था ना, डीप ब्लॉजमिंग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डीप ब्लॉजमिंग यहां पर भी जो है पुष्पों को झाड़ने के लिए, ठीक है, रेनी सीजन के क्रॉप को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तो यूरिया का छिड़काव करते हैं। कब, तो एट द टाइम ऑफ पिक फ्लावरिंग, यानी कि जब पुष्पन जो है तीव्र स्थिति पर, तीव्र गति में रहती है, जब बहुत ज्यादा पुष्पन होती रहती है पौधे में, उस अवस्था में जो है बच्चों हम लोग यूरिया का छिड़काव अगर कर देंगे पौधों पर, तो उसके कारण से क्या होंगे, उसके सारे पुष्प जो होता है बच्चा वो झड़ जाएगा। और जब बच्चा सारा पुष्प उसका झड़ जाएगा, यानी कि डिब्लॉजमिंग हो जाएगी, तो वहां पे फ्रूट जो है ऑटोमेटिक हम रेनी सीजन में नहीं ले पाएंगे, और वो फल फिर कब लेंगे, विंटर सीजन में लेंगे। और इसी चीज को हम लोग बाहर ट्रीटमेंट कहते हैं ना, तो बाहर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी केमिकल यूज होती है बच्चा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो यूरिया का छिड़काव हम लोग अमृत में करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट बताते हैं कि फ्रूट ऑफ विंटर इज बेस्ट एज इट एस्केप्स द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाई, यानी कि अब देखोगे कि क्यों हम लोग विंटर में ही लेते हैं। सर, आप स्टार्टिंग से बता रहे हो कि विंटर में लेना चाहिए, रेनी सीजन में नहीं लेना चाहिए, तो रेनी सीजन में तो कीड़ा लगता है, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है बच्चा, इस कीड़ा की अटैक जो होती है वो अवॉइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि फ्रूट ऑफ विंटर इज बेस्ट, इसीलिए हम लोग मृग बहार की क्वालिटी जो है एक्सीलेंट बता रहा था मैं ऊपर, क्योंकि वहां पे जो फ्रूटिंग होती है बच्चों वो नवंबर दिसंबर के माह में होती है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लेना। अगला है बच्चों, बेंडिंग इन गुआवा इज प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये बेंडिंग एक टेक्निक है जो महाराष्ट्र में पार्टिकुलरली होती है, लेकिन आमतौर पर जो टेक्निक होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टूलिंग कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
इट इज द रिच सोर्स ऑफ पेक्टिन। हाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पेक्टिन जो होता है ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पाया जाता है। अब जब जाम जेली, अभी जब हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म की बात, तो जब प्रसंस्करण की बातें करोगे तो वहां पे हम बताएंगे आपको स्क्वैश कैसे बनता है, जाम कैसे बनता है, जेली कैसे बनता है, कैंडी कैसे बनता है, किसको बनाने के लिए कितना तापमान और कितनी उसकी TSS होती है, ये सारी चीजें हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे PHT उस समय बताऊंगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आ गया तो बता दे रहा हूं, ये पेक्टिन जो होता है ना बच्चों, ये बहुत आवश्यक तत्व होता है जेली बनाने के लिए, तो इसीलिए इसी के उपस्थिति के कारण से ही हम लोग इन सबको यूज करके जेली वगैरह बनाया जा सकता है, यानी कि इट इज द रिसोर्स ऑफ पेक्टिन, इसीलिए इसको सुइटेबल माना जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। हाँ, पेक्टिन पाया जाता है अमृत में, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पे बात करेंगे स्पेसिंग, यानी कि स्पेसिंग मतलब होता है दूरी बच्चा, ठीक है। तो रेनफेड कंडीशन में और इरिगेटेड कंडीशन में, अब हमेशा से ध्यान दे दीजिए बच्चे लोग कि कभी भी कोई भी पौधों में अगर देखेंगे तो पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा देना, ठीक है, या फिर दूरी ज्यादा बढ़ा के देना, ये सारी चीजें हम लोग इरिगेटेड यानी कि सिंचित अवस्था में ज्यादा करते हैं, सिंचित अवस्था में जो है ये सब चीजें ज्यादा की जाती है। और वर्षा पे आधारित जब रहता है, वर्षा पर आधारित तो इसमें जो हम लोग कम करते हैं, तो वर्षा पर आधारित जो होगा उसमें दूरी जो होती है बच्चों, स्पेसिंग मतलब दूरी, ठीक है। तो ये R into P की बात हो रही है बच्चा, R into P, ठीक है, R into P, ठीक है। तो जब एक लेक्चर में और लूंगा आप लोगों का हॉर्टिकल्चर में, जिसमें बताऊंगा कि पौधा लगाने के अलग अलग विधि होते हैं, जैसे स्क्वायर विधि, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, ठीक है, ये सारी चीजें पे हम लोग अलग से एक लेक्चर और लेंगे, जिसमें आप लोगों को विद डायग्राम एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी R into P हम लोगों का बराबर है, यानी कि स्क्वायर प्लांटिंग हो रही है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लांटिंग मेथड जो है हम लोग जो गुआवा में करते हैं, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 8x8 meter पे यूज करोगे, कब, जब आप सिंचित अवस्था में अगर आप अमरूद की खेती कर रहे हैं तब। अगर आप सिंचित अवस्था में नहीं कर रहे हो बेटा तो 6x6 meter की दूरी पे आप लगाओगे पौधे को, ठीक। उसके बाद बच्चों बात करेंगे, प्लांटिंग इज डन इन June to August। अब ये तो लगभग आप देखोगे हर पौधों में जो है प्लांटिंग का जो सीजन होता है वो जून से अगस्त के समय पर होती है, क्योंकि उस समय हमें मॉनसून यानी कि रेनफॉल मिलता है, खरीफ सीजन रहती है, तो इस वजह से जब एडेक्वेट मॉइस्चर आपको मिलेगा, जब अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो इसीलिए उस मौसम में जो है ज्यादातर पौधे हम लोग लगाते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे बच्चों, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्रूट बियरिंग पीरियड, यानी कि अक्टूबर से फरवरी के समय। अब अक्टूबर से फरवरी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सूखा सहन क्षमता तो इसकी होती है, लेकिन जब इसमें फलन का समय आता है उस समय उचित नमी की आवश्यकता होती है, तो वही उचित नमी प्रदान करने के लिए आप सिंचाई दोगे। और सिंचाई किस मंथ में दोगे, तो अक्टूबर से फरवरी। ये चीज नोट करना, सिंचाई किस महीने में दी जाती है, पौधे किस महीने में लगाए जाते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन एक दो बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, इरिगेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्रूट बियरिंग पीरियड इज कब, अक्टूबर से नवंबर। अब डिजीज यही था बच्चा, गुआवा विल्ट, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, उकठा रोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे बच्चा, उकठा रोग, ठीक है। उकठा रोग जो है किसके कारण से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम PVCD। अब यहाँ पे विल्टिंग अपीयरेंस इज सीन, विल्टिंग मतलब क्या होता है, पत्ते जब मुरझा जाते हैं, जब कभी आप देखोगे नमी की कमी हो जाती है इसके कारण से भी पत्ते मुरझा जाते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विल्टिंग। और विल्टिंग किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे आप कवक का नाम देख रहे हो, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम PVCD। अब ये CD कहाँ से आया, तो वही भैया CDM गुआ जावा था, तो CD आ गया। अब इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या बेबिस्टीन का प्रयोग नॉर्मली करते हो, या अब इसमें होता है क्या है, कार्बेंडाजिम या बेबिस्टीन सब की यूज करने से जो हमारा कवक को जो हम लोग नष्ट कर देते हैं, और जिसके कारण से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि कीट और रोगाणु किस के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से कीट हमारे फसल में मुख्य रूप से लगते हैं बच्चों, इस चीज को ध्यान देंगे। तो कीट में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिप्ट मिलीबग जो है बच्चा, ये हमारा क्या है, सीरियस पेस्ट ऑफ गुआवा है। क्या है बच्चों, सीरियस पेस्ट ऑफ गुआवा। सीरियस पेस्ट यानी कि क्या होता है बच्चा, मुख्य कीट।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्ट मिलीबग क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य कीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्वाभा टी मॉस्क्यूटो बग। ठीक है, ग्वाभा टी मॉस्क्यूटो बग, इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट है बच्चों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देहिक विकार कहते हैं बच्चों। ठीक है, देहिक विकार। तो बच्चा देहिक विकार में जो है, सबसे पहले आपको ब्रॉन्जिंग, जिसके किसके कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो देखो, हर जब हम लोग पूरा एक बार एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप लोगों को अलग अलग पौधे की देहिक विकार से जहाँ कन्फ्यूजन होती है ना, उस पर एक लेक्चर लेकर आऊँगा लास्ट में। ठीक है, अभी नहीं, जब एग्रोनॉमी का सब्जी और फल दोनों और फूल तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट भी पढ़ लेंगे, तब हम लोग एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें सारा डिसऑर्डर को अलग अलग तरीके से विथ ट्रिक्स बताऊँगा। ठीक है, ये सब जब हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट लेक्चर जो जब समराइज करेंगे एक बार और हॉर्टिकल्चर को, तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे लिटिल लीफ आयरन की कमी से, वहाँ जिंक की कमी से, यहाँ पे कॉपर की कमी से। तो इस तरह से आप लोगों को एक कैटेगराइज करके जो आप लोगों को बता देंगे, ताकि आप लोगों की जो है स्टडी करने में आसानी हो जाए बच्चों। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों अब पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के बारे में। ठीक, अब पोमोग्रेनेट यानी कि अनार जो है बच्चों, ये हमारा कौन सी कुल का पौधा है बच्चों, तो ये चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो या तो हमारा प्यूनिकेसी कुल लिखोगे, या तो बच्चों हो सकता है आपके एग्जाम में अगर ये ना ऑप्शन में दे तो लेथाइरेसी भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि प्यूनिकेसी और लेथाइरेसी ये दोनों ही इसके कुल के पौधे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बफरिंग हो रहा है, चलो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ से नेटवर्क इश्यू नहीं है। ठीक है, आप चेक कर सकते एक बार। ज़्यादा करते हैं, चलिए। अब जो है बच्चों, ये ड्राउट टॉलरेंट अमॉन्ग द क्रॉप्स, यानी कि फसलों के बीच सूखा सहन क्रिया जो होती है ये हमारा ज़्यादा होता है, किस में, अनार के केस में, यानी कि सूखा सहन क्षमता। देख लो अनार के यहाँ पे डायग्राम देखो। एक दिन बहुत से बच्चे क्लास में कह रहे थे कि सर आप फल लेकर आया करिए, तो भैया फल लेकर आना तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन डायग्राम जरूर लेकर आ जाते हैं, ताकि आप लोग देखकर पहचान लो। कुछ बच्चे अगर अनार अभी तक नहीं देखे हैं तो अनार किस तरह से होता है। ठीक है, इससे पहले आपको अमरूद भी दिखाया था। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद इसकी उत्पत्ति स्थान अगर देखेंगे बच्चा, तो ये ईरान इसकी उत्पत्ति स्थान है। ठीक, ईरान जो है हमारा अनार का उत्पत्ति स्थान है। कुल में दोनों कुल को याद रखना बच्चों, क्योंकि देखोगे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देखोगे बहुत से शहरों का नाम बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे शहर का नाम बदलते हैं ना, इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फसलों के भी कुल में जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, कुल बदलते रहते हैं। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी नई चीज़ नोटिस होती है, उस हिसाब से उनके फैमिली जो है बदल दिए जाते हैं। तो जब फैमिलीज या फिर दो नाम हो जाता है, दो उपनाम हो जाता है, तो इस तरह के केसेस में आपको थोड़ी सी अपडेटेड और केयरफुल रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूनिकेसी तो आप और नॉर्मल पढ़ ही रहे हो, प्यूनिका ग्रेनेटम इसका बोटेनिकल नेम, तो प्यूनिकेसी फैमिली। लेकिन यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में प्यूनिकेसी ना दे के बच्चों लेथाइरेसी दे दिया, तो वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसके दो कुल आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट बच्चों, लाल कलर किसके कारण से होता है, ये तो आपको पहले से पता है बच्चों कि लाल रंग कहीं पर भी हो, दो एक्सेप्शंस बताया था, टमाटर में लाइकोपिन और कैप्साइसिन जो है वो हमारा मिर्च में। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी लाल रंग की बात आएगी एंथोसाइनिन ही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, लाल रंग अनार में किसके कारण से होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण से होता है। ठीक, उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोमोग्रेनेट इन वर्ल्ड, और इंडिया में बच्चा कहां पर होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। तो इंडिया में महाराष्ट्र और विश्व में भारत। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना, महाराष्ट्र इज इन फर्स्ट पोजिशन। अब महाराष्ट्र में एक वेरायटी है जिसको हम लोग भगवा कहते हैं। ठीक है, तो भगवा का बहुत सारे उपनाम है, जैसे जा महाराष्ट्र, मस्तानी, सिंधुरी। ठीक है, तो ये सब अभी बताएंगे जब वेराइटीज में आएगा। ठीक, तब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे, जूस ऑफ पोमोग्रेनेट इज यूजफुल फॉर लेप्रोसी। अब लेप्रोसी के आम अनार का जूस जो है कुष्ठ रोग के लिए उपयोगी होता है। अब कुष्ठ रोग के लिए जैसे हम लोग देखते हैं ना, अनार का जूस जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, तो इसको हम लोग नॉर्मली जैसे जूस के रूप में, जैसे एज अ न्यूट्रिटिव आइटम जो है इसको कंज्यूम किया जाता है। तो ये हमारा लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कुष्ठ रोग के उपचार के लिए भी जो हमारा अनार का जूस जो है काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं, जुलाई टू अगस्त इज अ बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग। फिर से वही बातें रिपीट हो रही है, क्योंकि भैया उसी समय आपका मॉनसून आता है, उसी समय मॉइस्चर रहती है, नमी रहती है, तो चीजों को ना बार बार आप रटने की बातें मत, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाओगे तो आराम से लिख लोगे। अभी तो आप
नॉर्मल इस तरह से आप फसल के बस 10-10, 20-20 पॉइंट मैक्सिमम पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप BSCAG करने जाओगे बच्चा, तो हर एक फसल को आपको जो है डिटेल में पढ़ना होगा। मिट्टी कैसा चाहिए, मिट्टी का पीएच का मान, नाइट्रोजन कितना, फॉस्फोरस कितना, पोटेशियम कितना, हर एक चीज आपको एक एक जो है हर फसल का दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक आप जो है कॉन्सेप्ट वाइज अगर बना के पढ़ेंगे बच्चा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में चीज़ें जो है काफ़ी प्रिसाइजली आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप याद ना कर सको और कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। प्रोपेगेशन जो होता है, स्टीम कटिंग या एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग, गुटी फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे होता है। नेक्स्ट बच्चों, वेराइटीज में भगवा। अब देखो ये भगवा का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चा, सिंदूरी होता है, अमलीदाना, वंडरफुल, ये सब हमारे कुछ वेराइटीज है। बाकी और वेराइटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात, हाँ ये सब कुछ वेराइटीज और है जिनके बारे में हम लोगों को डिटेल में ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वेराइटीज देखोगे, गणेश, गणेश जो है बच्चों ये पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा एक महाराष्ट्र में जो है काफी प्रसिद्ध वेराइटी है, ठीक, पॉपुलर इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बच्चों जलोर सीडलेस। जलोर सीडलेस जो है बच्चों नाम से ही आपको जो है कहां पर फेमस होता है, तो ज्यादातर जो है ये राजस्थान क्षेत्र में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है अरक्ता। अब अरक्ता जो है बच्चों ये प्रोसेसेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब होता है प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बच्चा, ठीक, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त, तो ये हमारा जो है बच्चों अरक्ता जो है वो हमारा प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म होता है। नेक्स्ट है बच्चा आप सभी के सामने भगवा, जिसे हम लोग ब्राइट रेड कलर्ड होता है, ये कौन सी रंग की होती है, लाल रंग का, और वो भी एकदम चमकीला लाल रंग का होता है, ठीक, और इसको हम लोग सिंदूरी भी कहते हैं, मस्तानी भी कहते हैं, और जय महाराष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग उपनाम, अब कभी मान लो पूछ दिया कि सिंदूरी वेराइटी इज ऑल्सो नोन एज, तो भगवा, मस्तानी, जय महाराष्ट्र, ठीक है, ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है, तो अनार, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। उसके बाद बच्चों वंडरफुल वेराइटी जो है ना ये USA से लेकर आया था, इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन जो है कहाँ से था, तो USA से था, और ये जो इसके फ्रूट जो होते हैं ना, फ्रूट साइज इज लार्जर, जैसे नॉर्मल जो हमारे देसी अनार होते हैं बच्चों, उसका जो फ्रूट का आकार देखोगे या फल का साइज देखोगे ना, हाँ हमारे, अगर हमारे देश में अगर बात करेंगे तो प्रसंस्करण वाकई जो है हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट पे जो हम लोगों की उतनी ज़्यादा जो है जोड़ नहीं रहती है, लेकिन प्रसंस्करण करने से ही उसकी जो वैल्यू होती है ना, इकोनॉमिक आर्थिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रसंस्करण करना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देखोगे क्या होता है, फल वगैरह जो है बहुत वेस्ट चला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को प्रसंस्करण तकनीक से अगर उसको प्रिजर्व कर लेंगे, उसकी जो पेरिसेबल नेचर होती है उसको हम लोग रोक कर उसको नुकसान होने से बचा लेंगे, तो वो लंबे समय तक हमारे लिए क्या होगा बच्चों, लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक, हाँ बर्बाद नहीं होगा फल इस तरह से अगर करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें क्या होती है उतनी ज़्यादा हम लोग जो है एडवांस तरीके से नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ याद करने में ड्रीम वर्ल्ड, बिल्कुल बेटा देखो याद करने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा सा टफ तो है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होता है, कितना भी मैं कह दूँ कि आसान है, लेकिन ये थोड़ी सी तो टफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने एंड से आपको न्यूमोनिक्स बना के हो, चार्ट बना के हो, दीवार पे चिपका के हो, सुबह शाम उसको देखते हुए हो, ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा अभ्यास अपने ऊपर करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक जो है चीज़ें उतना आसान से नहीं होगा, ठीक है। हाँ खुशी, प्रसंस्करण का मतलब जो है, प्रसंस्करण का मतलब होता है वही जो जाम, जेली, स्क्वाश, कैंडी सब जो बनाने की बातें कर रहा था ना मैं, उसी को पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग जो कहते हैं। जैसे हमने जूस ले लिया, अब उसको ऐसे अभी देखोगे आप लोग तो स्टिंग इस तरह से बहुत सारे जूस आते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग फ्लेवर रहता है फ्रूट का, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं उसको प्रोसेसिंग करके, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग की बात होती है, ठीक। अब अमलीदाना जो है बच्चों वो गणेश और नन्हा का क्रॉस है, और ये सुइटेबल फॉर HDP, ठीक है, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो है उपयुक्त किस्म कौन सी होती है बच्चों, तो अमलीदाना होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, उच्च सघन फसल उत्पादन के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक है। और ये हमारा रिलीज कहां से हुआ था बच्चा, तो IIHR। अब फटाफट मेरे शेर बता दो कि IIHR जो है वो कहां पर स्थित है बच्चों, बता दीजिए फटाफट। प्रोसेसिंग राइट, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, बता दो बच्चों कि यहां पे कौन सी, क्या पूछ रहा था मैं, हाँ यहां पे IIHR जो है वो कहां पर स्थित है, ठीक, हाँ डब्बाबंदी प्रसंस्करण, सही सही बात है। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया बता दो बच्चों, IIHR हमारा कहाँ पर स्थित है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है, फटाफट बता दीजिए आप लोगों को, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें बताया गया था। बिल्कुल सही, शुभम पाल बेंगलोर, मयंक भाई बता रहे हैं करनाल हरियाणा, नहीं बेटा करनाल हरियाणा में नहीं है, ठीक है, IIHR जो है बच्चों वो बेंगलोर में। सिद्धार्थ रॉय, खुशी गोयल, शुभम पाल, रोहित कुमार, सभी लोग बेंगलुरु बता रहे, ड्रीम वर्ल्ड, सभी सब वेरी गुड बच्चों, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। तो रिसर्च स्टेशन इतने ज़्यादा है ना भारत में कि आप कन्फ्यूज उसमें भी हो गए, तो इसीलिए आप लोग उसका भी चार्ट बना के करो, क्योंकि बहुत से चीज़ें हैं ऐसी जब आपने एग्रीकल्चर से पढ़ने का सोच लिया है तो अभी से थोड़ा थोड़ा उस पैटर्न पे आप सीढ़ी चढ़ते जाइए, नहीं तो अचानक से जब सीढ़ी चढ़ोगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी से आप लोग आदत डालते जाइए कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है, चीज़ों को कैसे दिमाग में रखना है, ठीक है, तो आप लोग और बेहतर तरीके से कर पाओगे बच्चों, ठीक। चलिए अब जो है देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बिल्कुल सर मेरा ड्रॉप है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, देखो ड्रॉप करने वालों की जो है ऐसे कोई अपसेट होने की बात या अफसोस करने की बात नहीं होती है। देखो अगर आप जो है एक साल अपने लिए ड्रॉप लिए हो तो उसको आप अगर सदुपयोग करोगे नई नई चीज़ों को जानने में, अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, नए अपने कैरियर ऑप्शंस को देखने में, ढूंढने में, और एक राइट कैरियर ऑप्शन चूज करने के लिए अगर आप उस ड्रॉप को यूज करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वेस्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपने ड्रॉप किया है और मस्ती मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और इस तरह से अगर आप अपने ड्रॉप को यूज किया है तो वो आपका सरासर जो है वेस्ट है, ठीक है। तो दो वर्ड ऐसे आप जानते हो, मैं कई बार बताया हूँ, इन्वेस्ट और वेस्ट, ठीक है। अपने लिए अगर आप ड्रॉप को इन्वेस्ट करोगे तो आपका ड्रॉप जो है ना बहुत फ्रूटफुल होगा। मैंने बहुत से बच्चों का देखा है जो एक साल ड्रॉप लेते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी समझदारी आ जाती है, एग्जाम पैटर्न को समझने की समझदारी हो, या फिर कैसे एग्जाम दिया जाता है, किस तरह से अपने गलतियों को अवॉइड किया जाता है, सारे चीज़ें उनके अंदर जो है इनबिल्ड हो जाती है। लेकिन अगर वही ड्रॉप को अगर आप गलत रास्ते में और मस्ती मजाक में लोगे तो फिर आपका अगला ड्रॉप भी हो जाता है बहुत से लोगों का, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक ड्रॉप को सदुपयोग किया है तो आपके लिए जो है कोई घबराने की बात नहीं है बच्चा, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ एग्रीकल्चर UPSC के सिलेबस में भी होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। देखो अगर पहले से पढ़े हो या अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, उस चीज़ सबके लिए परेशान नहीं होना है। कोई 10 साल में भी जो है कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है, और कोई फ्रेशर एक बार में जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई कितना साल से कर रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कितना कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 साल से मैं एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ और दिन का 5 मिनट पढ़ता हूँ, और कोई एक साल ही पढ़ा है लेकिन उसने दिन के 10 घंटे दिए हैं उस चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब सोलापुर लाल जो है ना बायो फोर्टिफाइड वेराइटी होती है। अब कहोगे सर ये बायो फोर्टिफाइड का क्या होता है, तो बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपको पता है कि राइस में जो है लियासिन ये सब की कमी होती है, मान लीजिए किसी एक चीज़ की कमी होती है, तो उस चीज़ के लिए जो है हम लोग उस चीज़ को इनबिल्ट करके उसमें भर के, और इस तरह से एक नया जो टेक्निक दे, नया जो कुछ नया किस्म डेवलप करेंगे तो उसको कहेंगे बायो फोर्टिफाइड। जैसे हम लोग नॉर्मल एक राइस होता है, एक बायो फोर्टिफाइड फूड, एक होता है नॉर्मल फूड, एक होता है फोर्टिफाइड फूड। तो फोर्टिफाइड में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बस बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से जैव फोर्टिफाइड यानी कि बायो फोर्टिफाइड वेराइटी हमारा कौन सा है, तो सोलापुर लाल है। और नेक्स्ट है बेदाना सीडलेस। अब बेदाना सीडलेस नाम से ही है कि भैया बेदाना भी चिक चिके बोल रहा है कि मेरे पास कोई दाना नहीं है, और सीडलेस भी, ठीक है, तो बेदाना सीडलेस। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट हम लोग बाहर ट्रीटमेंट बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अंबे, मृग और हस्तबाहर वही सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी हाइल डिजीज प्रोन और एक्सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अब जो है बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट जो है हमारे पौधों में
नुकसान पहुंचाता है। तो कीट से रिलेटेड आपको ध्यान देना है और पौधों में लगने वाले रोग से रिलेटेड। तो इंसेक्ट और पेस्ट पहले देख लेते हैं बच्चों। तो इंसेक्ट और पेस्ट में अनार बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई मतलब और फ्रूट सॉकिंग मॉथ। फ्रूट फ्लाई मतलब होता है बच्चों फल मक्खी, जान लीजिए बेटा फल मक्खी। और अनार बटरफ्लाई मतलब होता है सीरियस पेस्ट ऑफ पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार का जो गंभीर कीट या कह लो या मुख्य कीट कह लीजिए तो वो हमारा क्या होता है बच्चों अनार बटरफ्लाई। तो ये हमारा सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो पेस्ट होता है उसी को हम लोग सीरियस पेस्ट कहते हैं। अब इन सब सीरियस पेस्ट, की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, स्पोरोडिक पेस्ट, ठीक है, पोटेंशियल पेस्ट, ये सारी चीजें जो हम लोग डिटेल में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी में। बस अभी आप ये समझिए कि कौन सा सबसे ज्यादा सीरियस होता है। सीरियस मतलब सबसे ज्यादा हमारे पौधे को हानि पहुंचाने वाला। तो जो हानि पहुंचाने वाला होते हैं ना वो अलग अलग पौधों में, मैं जैसे जैसे एग्रोनॉमी में भी आप लोगों को डिजीज एंड पेस्ट अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी में पढ़ेंगे, इन सब चीजों को डिटेल में, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग फसल पढ़ते जाते हैं ना तो उनके रोग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं इसीलिए बताते जाता हूँ, ठीक है, ताकि उस समय जब आपको एक ही साथ जब देखोगे सारे बोटैनिकल नेम ना तो बुखार ना आ जाए। बहुत से बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से एग्रीकल्चर में आते हैं तो उनको मैंने देखा है उनको बुखार आते हुए, ठीक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल एकदम पहले बार भी पढ़ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ बुखार आता है, चलो ठीक है, खुशी गोयल को बुखार आता है, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से ना ये बुखार को अवॉइड करना होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत से बच्चे मैथ बैकग्राउंड वाले पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी में बैक लग जाता है उनका, क्यों, क्योंकि वो जो है बायो बैकग्राउंड वाले तो वहाँ पे पहले से माइंड सेट रहता है ना कि बायो वाले याद ज़्यादा कर सकते हैं, मेमोराइज करने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, और मैथ वालों का क्या होता है उनके कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें आगे करोगे ना थोड़ा सा मेमोराइज तो आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सर हमें तो नहीं आता, बिल्कुल सही, आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे डिजीज यानी कि रोग की बात करते हैं, ठीक है। अब रोग की अगर बात करोगे, ये हमारा कीट की बात थी, तो कीट में सबसे गंभीर कीट, गंभीर कीट, ठीक है। तो गंभीर कीट जो है हमारा वो हो गया आपका अनार बटरफ्लाई, अनार तितली इसको कहते हैं, ठीक। अब रोग में अगर बात करोगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह से, आपको यहाँ पे इंसेक्ट को इस तरह से अनार बटरफ्लाई और बैक्टीरियल ब्लाइट का सिम्टम देखो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट किसके कारण से हो रहा है बेटा, तो एक्जेंथोमोनस एक्जोनोपोडिस, देख लो ब्लाइट में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट की बात हो रही है ना तो बैक्टीरिया में ज्यादातर जो रोग लगते हैं बेटा एक्जेंथोमोनस के कारण से ही लगते हैं। याद करना बैक्टीरियल कैंकर, यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। तो जैंथोमोनस एक्जोनोपोडिस पीवी प्यूनिकेसी इसके कारण से यहाँ पर हो रही है। अब आगे बच्चों बात करेंगे, इसको हम लोग नोडल ब्लाइट या ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। ब्लैक स्पॉट देखो इस तरह से हम लोग जो है फल भी फट जाता है। अब सर कहोगे फल तो सर बोरोन की कमी से भी फटता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे फंगस देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ताकि आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि ये हमारा पोषक तत्वों की कमी से हुआ है या पार्टिकुलर यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण से हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट यानी कि नोडल ब्लाइट, ठीक। उसके बाद हमें इसके रोकथाम के लिए जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या चीज कर सकते हैं, बैक्टीरियोमाइसिन ये सब की छिड़काव कर सकते हैं बच्चों, ठीक। अब जो है नेक्स्ट हम लोगों को फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोले तो देहिक विकार की बात करना होगा, ठीक है। अब देहिक विकार में जो है बेटा किस चीज में बात करोगे, तो फ्रूट क्रैकिंग। अब सर फ्रूट क्रैकिंग क्या होती है, तो फ्रूट क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चों फलों का फटना। अब फलों का फटना किसके कारण से, तो कैल्शियम बोरोन एंड पोटासियम की कमी के कारण से होता है, ठीक है। अब नॉर्मली तो भैया मैंने बता दिया था आप लोगों को कि किसके कारण से होता है भैया, तो बोरोन के कारण से, फल का फटना बोरोन का कमी होना, ठीक। हमेशा से याद रखो, चाहे वो कुछ भी चीज फल फटे, सेब फटे तब, अनार फटे तब, या अंगूर, कोई भी फल फट रहा है तो आप आंख बूंद करके, जो आप आंख बंद करके आप इसको आंख बूंद के आराम से बोरोन लगा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। अब भैया जहां सूखी पड़ेगी, जहां पर बोरोन कमी रही, वहीं तो ज्यादातर फटता है जमीन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे राजस्थान में होती है। इसको अलग से आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, कहां जमीन फटेंगे, जहां पानी कमी होगी, पानी कहां कमी होगी, जो एरिड रीजन रहेगा, और एरिड रीजन कहां रहता है, तो राजस्थान में रहता है, इसलिए कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब भैया जब बोरोन की कमी से ही फल फट रहे हैं तो क्या दोगे, बोरेक्स दोगे, और बोरेक्स में कितना परसेंट बोरोन होता है, चलो फटाफट बता दो मेरे शेरो कि बोरेक्स में बोरोन कितना प्रतिशत होता है,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मयंक पटेल, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जो नहीं याद होता उसको आप चिपका दीजिए, उसको देखिए, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे आराम मिलेगा। ठीक है, आपके जो बुखार को जो है आराम देने का यही एक सही तरीका भी है। ठीक, बिल्कुल। आशुतोष सिंह बेटा बता रहे हैं 11%, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, ड्रीम वर्ल्ड बीएचयू सर, मॉर्निंग में क्लास लीजिए ना प्लीज़। देखो बेटा, हम लोग मॉर्निंग में भी और भी बहुत सारी काम रहती है, ठीक है, बैक एंड पे, तो इस वजह से जो हम लोग सारी क्लासेस इवनिंग में शेड्यूल करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग की भी कोई क्लासेस रहती है अपनी पीएचडी की, ठीक है, तो ये सब रीजंस की वजह से जो हम लोग इवनिंग में क्लासेस शेड्यूल होती है। ठीक है बेटा, चलो 11%, बिल्कुल सही बता रहे हो। गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग बेटा, हैप्पी होली। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ रॉय, आशुतोष, सुप्रिया, सभी लोग 11% बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। एक्स वाई में घूमते हैं और यहाँ तो सारे अल्फाबेट मिला दिए जाते हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इंटरनल ब्रेकडाउन, यानी कि आंतरिक जो ब्रोकन ब्रोक होता है, अंदर अंदर जो फट जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों अंबे बाहर में। और ये तो पता ही है भैया कि अंबे बाहर के फल जो है पुअर क्वालिटी के होते हैं, मृग बाहर अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था मैंने। ठीक, अब यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखना, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा अनार में पाया जाता है तो वो कौन सा है बच्चों, तो प्यूनिकैलेगिन। ठीक है, प्यूनिकैलेगिन जो है वो हमारा क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए, हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं उन सबको ब्रेकडाउन करता है, उन लोगों से बचाता है, इससे प्यूरिटी प्यूरिफिकेशन में हमारे बॉडी की प्यूरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच हम लोग, जैसे बहुत सारे तुम लोग देखते हो क्रीम वगैरह लगाते हो, कोई भी चीज़ अगर खाते हैं, टेबलेट्स दवा वगैरह, तो उसमें रहता है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्यूनिकैलेगिन कहते हैं। ठीक है, प्यूनिकैलेगिन जो है हमारा वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कहाँ पर पाया जाता है बच्चा, अब याद करने की जरूरत नहीं है, प्यूनिका है तो प्यूनिकैलेगिन है। ठीक, अब यहाँ पर रूट ट्रीटमेंट, यानी कि जड़ का जो उपचार करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या यूज करते हो बच्चा, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक, और ये हमारा क्या है, ऑक्सिन ग्रुप का है। ठीक, तो इस तरह से जो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को जो है एक बार ध्यान देना होगा। ठीक है, इस तरह से वेराइटीज पे भी बता दिया बच्चों। तो आज के लेक्चर में जो है हमने क्या क्या बताया आपको, दो फसल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, सबसे पहला फसल क्या था, अनार के बारे में आपको बताया मैंने, दूसरा हमने गुआवा के बारे में बताया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको रिवाइज करना है। अब जो है कल की जो लेक्चर होगी बच्चों, कल फिर हम लोग मिलेंगे संडे के रात को, ठीक है, 8 बजे जो आप लोग की जो शेड्यूल की गई है क्लास, उसमें बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे MCQs जो आपको अभी तक आपने कितने चीजें पढ़ा है, 6 फसल पढ़ा है और 2 लेक्चर एग्रो हॉर्टिकल्चर का एक बैकग्राउंड बताया था। ठीक है, एक समग्र में कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर पे बेस्ड जो है कल हम लोग रात 8 बजे मिलेंगे एक हॉर्टिकल्चर महासंग्राम। ठीक है, एक छोटा सा महासंग्राम सीरीज होगा जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मिनिमम 50 क्वेश्चंस हम लोग कल लेकर आएंगे। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चंस के लिए सभी लोग कल 8 बजे जुड़ जाएंगे, जितने भी आपके एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स सभी तक शेयर कर देना बच्चों, ताकि कल की जो एग्जाम आप लोगों का हॉर्टिकल्चर का टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, लाइव क्लासेस के दौरान ही आपके असेसमेंट्स भी होंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोग जो भी अभी तक नहीं किए हो, बहुत होली की मस्ती हो गई, बहुत छुट्टी आपने मार ली, ठीक है, अब जो है सीरियस होने का समय आ गया है, तो सभी लोग उस सारे पुराने नोट्स लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा और कल मिलते हैं फिर बच्चों 8 बजे और हम लोग शुरुआत करेंगे हॉर्टिकल्चर का महासंग्राम। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।